सॉरी सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, वो मेरा ध्यान ना फोन की तरफ था इसलिए आपको देखा ही नहीं, रियली सॉरी मैम। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो मैडम का कुछ सामान लग रहा है। मैडम मैडम आपका सामान गिर गया है, मैडम मैडम आपका सामान गिर गया है। अरे हाँ ये तो मेरा ही पर्स है, इसमें मेरा 30,000 रुपया, मेरा आईटी कार्ड, मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा डेबिट कार्ड, सब कुछ था इसी में। ये क्या आप देख नहीं सकती? जी नहीं। आप एक काम कीजिए, आप ये 2,000 रुपया रख लीजिए। नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपका सामान ठीक है ना? जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्दी से मेरे पिछले 3 महीने का मकान का किराया निकाल, चल। जी, वो मैं आज इंटरव्यू के लिए गई थी, वो जॉब नहीं मिला, जॉब मिलते ही मैं आपको पैसे दे दूंगी। अबे तू अंधी है अंधी, 3 महीने क्या, तुझे 3 सालों में भी नौकरी नहीं मिलेगी। कल तक अगर मेरे पूरे पैसे नहीं मिले ना तो कल शाम को तुझे और तेरे सामान दोनों को उठा के बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं मैं कुछ इंतजाम करती हूँ ना, मैं करती हूँ कुछ। अंधी कहीं की। अनु जी, वो मैं आज रात तक घर खाली कर दूंगी, मैं पैसों का कुछ इंतजाम नहीं कर पाई। अरे नहीं नहीं आपको मकान खाली करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पिछले 3 महीने का किराया और आगे के 2 महीने का किराया मुझे मिल चुका है। मिल चुका है? कैसे, किसने पैसे दिए? उन्होंने ये पर्ची दी है, ये लो। पर्ची? क्या लिखा है इसमें? घर भला तो हो भला। अभी जो यहाँ से गई उनका कितने महीने का किराया बाकी है? पूरे 3 महीने का किराया बाकी है, 9,000 रुपए होते हैं उनके। आप एक काम कीजिए, आप ये पर्ची और ये मेरा बिजनेस कार्ड ये उन्हें दे दीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि मुझे उनके जैसा ही ऑनेस्ट वर्कर चाहिए। और हाँ ये लीजिए, उनके पिछले 3 महीने का एंड आगे आने वाले 2 महीने का किराया कहेगा मत कि मैंने दिया है, मुझे पता है ये बहुत ही खुदकर है, वो ऐसा ही पैसा नहीं लेगी। और उन्हें कहेगा ये पैसा उन्हीं के सैलरी का एडवांस है। हाँ पर आप उनकी इतनी मदद क्यों कर रही है? क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है। कर भला तो हो भला। सच में वो मुझे अपनी कंपनी में नौकरी भी देंगी? सच कहते हैं कर भला तो हो भला। ठीक है मैं चलता हूँ।